आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube पेज एबीएस गोल्ड पर स्वागत है। तो आज हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाएं, इसका पार्ट टू वीडियो है। और इस पार्ट टू वीडियो में आप लोग देखेंगे कि पार्ट वन का एप्लीकेशंस कैसे जो है एक रिसर्च वे से लेना है, और कैसे जो है हिंदी शब्दों की अंग्रेजी को जो है एक टैक्टिक्स यानी कि तकनीक के जरिए या एक रिसर्च के जरिए जो है स्पेल आउट करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि जिस वर्ड्स की आपको हिंदी वर्ड्स की जो है इंग्लिश बनानी है या स्पेल आउट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, उसको चॉप करें। चॉप का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी सिलेबल आए हुए हैं तो उसको आपको सबसे पहले कट आउट करना है। तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि मैजिक ऑफ ए किस जगह पर ऐड करना है। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष बोली के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं और नेचुरली यहाँ पर चॉपिंग कर सकते हैं बिना बताए हुए। उत्कर्ष, इसमें टू स्टेशंस हैं, स्टेशन या सिलेबल बात एक ही है, ठीक है। फॉर्मली जो है सिलेबल नेम है, लेकिन जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर एक क्वाइंड वर्ड्स है स्टेशन, ऑलराइट। तो उत्कर्ष की जो सिलेबल हैं या स्टेशंस हैं इनकी संख्या दो है, उत्कर्ष, ऑलराइट। प्रदीप, प्रदीप में कितने हैं, टू हैं। पहला क्या है, प्र, दूसरा दीप। इसी तरीके से सर्वजीत, दो, सर्वजीत। भारतीय, केंद्र, केंद्र में कितने हैं, टू हैं या सिंगल है। सिंगल अगर स्टेशन है या सिलेबल वर्ड है तो उसको मोनोसिलेबल भी हम कहते हैं, वन शॉर्ट। केंद्र सिंगल है, गढ़ सिंगल है, दिलकश, यहाँ पर टू स्टेशंस हैं। भाग्यशाली, यहाँ पर आप लोग थ्री स्टेशंस पा रहे हैं। मेघालय, अब यहाँ पर अगर स्टेशन की बात की जाए तो में घा लय, तीन भी स्टेशन आप कट कर सकते हैं। अगला क्या है, गुणगान, तो इसमें टू स्टेशंस। साड़ी, दो स्टेशन। समर वीरा, समर वीरा, इसमें थ्री स्टेशन, पहला समर, दूसरा वीरा। थरंगा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और साउंड से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें टू स्टेशंस हैं, पहला क्या है थरंग, दूसरा गा। अनु, फर्स्ट स्टेशन, कम सेकेंड, पा थर्ड। बनर जी, फर्स्ट बनर, सेकेंड जी। का ला, ता ला। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जब वर्ड्स की इंग्लिश बनाना है तो उससे पहले हमें उसके सिलेबल या स्टेशंस को चेक कर लेना है और वहाँ पर उसके नंबर को जान लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैजिक ऑफ ए जो आपको ऐड करना है तो वो जो है ऐडिंग आपकी आसान हो जाएगी। लाइक एग्जांपल, जैसे जैसे ये हलचल है, अब स्टेशन कट क्यों करवाता है एबीएस गोल्ड या एबीएस गोल्ड क्यों यहाँ पर सजेस्ट करता है न्यू वे से, हल चल। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हल और दूसरा चल, तो यहाँ से हमारा हास जो है स्टेशंस क्या है, राइज कर रहा है, यानी कि स्टेशंस हमारा उठ रहा है, और ला पर आकर स्टेशन दब रहा है यानी कि डाउन हो रहा है। और उसी तरीके से चल जो दूसरा स्टेशन है, तो चा से स्टेशन उठ रहा है, दूसरा स्टेशन चा से उठ रहा है और ला पर डाउन हो रहा है। तो मैंने आपको मैजिक ऑफ ए की एडिंग के बारे में बताया कि अगर स्टेशंस जहां से उठ रहा है अगर उसके पहले लेटर पर अगर कोई मात्रा नहीं है तो वहां पर ए लगाना है। जी हाँ, अगर पहला लेटर आपका कोई हिंदी का स्वर अगर आ गया है उस कंडीशंस में आपको मैजिक ऑफ ए ऐड नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हल, एच ए एल। आपने देखा कि एच के बाद यहाँ पर मैजिक ऑफ ए जो है ऐड हो गया, हल।
अब ला पर स्टेशन डाउन हुआ इसलिए ए यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। अगला देखिए चल, तो चा के लिए सी एच, अब दूसरा स्टेशन चा से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए, और ला के लिए एल, स्टेशन डाउन हुआ ला पर इसलिए एल नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि स्टेशन कट करने का जो फ़ायदा है तो वो यही है कि आप लोग जान जाते हैं कि कहाँ पर ए ऐड करना है और कहाँ पर ए नहीं ऐड करना है। अब हम बड़ी ही सफाई से स्टेशंस को देखते हुए स्पीड से जो है इसकी इंग्लिश स्पेल आउट कर लेंगे। उत यू और टी, उत कर्ष के ए आर एस एच। अब प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला स्टेशन जो इसमें उत आया, उत, तो यहाँ पर देखिए उत की अंग्रेजी क्या बनाएगी, छोटा उ के लिए यू और ता के लिए टी बनाया गया। तो आप यहाँ पर सवाल अपना उठा सकते हैं कि स्टेशन छोटा उ से स्टार्ट है लेकिन ए क्यों नहीं यहाँ पर आया, यू के बाद ए क्यों नहीं आया। तो जवाब यही है कि स्टेशन तो छोटा उ से उठ रहा है लेकिन ये छोटा उ जो है खुद एक मात्रा है इसलिए यहाँ पर ए को नहीं लिखा जाएगा। अब अगला देखिए प्रदीप। अब तीन नंबर रा जो आता है, ये तीन नंबर जो अक्षर के नीचे लगाया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला स्टेशन क्या है, प्र, तो पहले आर की अंग्रेजी लिखेंगे और पा के पास कोई मात्रा नहीं, फिर ए लगाएंगे, पी आर ए। अब ये देखिए प्र की अंग्रेजी निकल गई। दीप, अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करें कि आई का इस्तेमाल करें, तो जवाब आपके पास है अगर आपने पहला वीडियो देखा है कि जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर शब्द के अंदर स्टेशंस एक से ज़्यादा हैं तो उस सूरत हाल में बड़ा आ की मात्रा के लिए आपको ए लेना है और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लेना है और बड़ा उ की मात्रा के लिए यू लेना है। अगर स्टेशंस एक से ज़्यादा हैं उस कंडीशंस पर, अगर स्टेशन सिंगल है मोनो है तो उस दशा पे बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए और बड़ी ई के डबल ई और बड़ा ओ के लिए डबल ओ का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर अगर हम आई लिख देते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, सही है। सर्वजीत, आप देखिए सर्वजीत पहला स्टेशन, एस और स के पास कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए को लिखना पड़ेगा, आर सर्व, स के बाद र की आवाज आ रही है फिर वा की आ रही, तो सर्व जीत, जे डबल टी और टी। बच्चे लोग ध्यान दें कि जब हिंदी में जा आए तो उसके लिए आपको कभी भी जी का इस्तेमाल नहीं करना है। जा के लिए दो चीज़ें लगती हैं, एक जे और एक जेड, तो जब जा यानी कि साउंड हमारा शार्प नहीं है, जा में सफाई नहीं है, तो हमेशा जे, और अगर साउंड आता है जा सफा आ रहा है तो हमेशा उसके लिए जेड, लेकिन भूल कर भी आप जी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह बात अपने माइंड में इंसर्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भारतीय केंद्र और गढ़। अब एवीएस गोल्ड ने आपको बताया कि जब स्टेशंस जहाँ पर जिस अक्षर पर जो है स्टेशंस डाउन होता है यानी कि जहाँ पर स्टेशंस टूटता है तो उस अक्षर पर ए नहीं बढ़ता है, ये बात एवीएस गोल्ड ने आपको बताया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चीज़ों के जो है एक्सेप्शंस भी होते हैं यानी कि अपवाद भी होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर स्टेशंस या तीन नंबर रा यानी कि जो अक्षर के नीचे लगाया जाता है या अड़ा के ऊपर अगर स्टेशंस जो है आकर टूटता है या स्टेशंस ख़त्म होता है तो यहाँ पर स्पेशली हमको ए बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि भारतीय, बी एच ए आर भार, ये हो गया फर्स्ट स्टेशन, और ती है तो क्या हो जाएगा, टी आई वाई और ए यहाँ पर बढ़ जाएगा, भारतीय भारतीय, राइट। तो यहाँ पर देखा कि यह पर स्टेशन कट हुआ लेकिन ए बढ़ गया। इसी तरीके से केंद्र, के ई एन डी आर, देखो लास्ट में तीन नंबर रहा आया तो इसके बाद भी ए बढ़ जाएगा, जी
और इस ऋणा के लिए अड़ा के लिए एन होता है तो ए बढ़ जाएगा। तो ये बात आप लोग जो है फोकल पॉइंट रख लीजिए कि अगर ये या और या तीन नंबर रा या अड़ा अगर आपका आ रहा है तो उस सूरत हाल में स्टेशन जहां पर डाउन हो रहा है वहां पर भी ए पड़ जाएगा। दिलकश, तो स्टेशन कट कर लीजिए, दिलकश तो डी आई एल दिल और कश, यहाँ पर आप बच्चे लोग देखिए यहाँ पर मैजिक ऑफ ए जो है ऐड किया जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर के बाद लिखा जाएगा, के ए एस एच। ये के बाद ए क्यों लिखा गया, चूंकि यहाँ से दूसरा स्टेशन उठ रहा है। भाग्य, ये देखिए फिर भाग्य, ये स्टेशन जो आपका कटा तो या के ऊपर कोई मात्रा नहीं थी, स्टेशन डाउन, फिर भी ए। शाली, भाग्यशाली। मेघालय, एम ई जी एच ए, मेघालय। अब यहाँ पर देखिए लय, दूसरा स्टेशन लास्ट स्टार्ट हो रहा है और उसके पास कोई मात्रा नहीं है ला के पास, तो इस सूरत हाल में यहाँ पर ए हमको लिखना पड़ेगा एल के बाद, एल ए वाई। गुण, यह देखो अड़ा, यहाँ पर स्टेशन डाउन हुआ अड़ा के ऊपर तो यहाँ पर ए हमको बढ़ाना पड़ा, जी ए एन। और अड़ा के लिए बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि क्या लिखा जाए, तो इसके लिए आर लिखा जाए या डी लिखा जाए, तो आर या डी दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक जैसे साड़ी है तो एक इंग्लिश द इंग्लिश अंग्रेज लोगों को अगर कहना हो तो इसको दो उच्चारण बोलेंगे, कुछ कहेंगे साड़ी साड़ी और कुछ लोग कुछ द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज लोग इसे साड़ी कहेंगे। ऑल राइट, तो आप डी का इस्तेमाल करें या आप आर का इस्तेमाल करें। समरवीरा, तो यहाँ पर स्टेशन कट करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी आप कट कर लेंगे। समर वी रा, तो यहाँ पर देखिए तीन अक्षर अगर आपके शुरू में या अंत में अगर आ रहे हैं और तीनों अक्षरों पर कोई भी मात्रा नहीं है और पीछे स्टेशन जो है बनने के लिए रेडी है, तो उस सूरत हाल में आप तीन अक्षर जो आए हुए हैं बिना मात्रा के तो उसको एक स्टेशन मान सकते हैं। तो देखिए जब समर माना तो स्टेशन एस ए, एस के बाद ए बढ़ जाएगा चूंकि स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एम के बाद भी ए बढ़ जाएगा चूंकि स्टेशन यहाँ पर डाउन नहीं हो रहा है, डाउन जो है रा पर हो रहा है, तो समर वी रा। थारंग, अब यहाँ पर देखिए ढाई रुपए का स्टेशन बन रहा है। अब ये ढाई रुपए क्या हैं, जब पूर्ण पूरा अक्षर आता है तो उसको हम एक बोलते हैं और जब कोई अक्षर आधा या अंक की बिंदी आ जाती है तो उसको हम अर्ध बोलते हैं, यानी कि आधा बोलते हैं, हाफ। तो इस तरीके से यूनिट हमारी ढाई की हो गई, तो ये स्टेशन हमारा ढाई का बना। तो थरंग, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टी एच आर ए एन, थरंग और जी ए। अनु, ए एन यू, फर्स्ट स्टेशन इज डन। कम, अब देखिए कम से स्टार्टिंग के ए एम, के बाद ए हमने लिख दिया। बनर जी, अब देखिए ये स्टेशन जो है इस रा के ऊपर आकर कट रहा है, बनर इस रा पर आकर कट रहा है, तो देखिए बी, बी के बाद ए बढ़ जाएगा और एन के बाद भी ए बढ़ जाएगा, क्यों, चूंकि स्टेशन ना पर डाउन नहीं हो रहा है, डाउन जो है रा पर हो रहा है, तो इसलिए जिस अक्षर पर डाउन होगा उसी पर उस पर ए नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इन तीन को छोड़कर, ठीक है। बनर जी, काला, अब देखिए के एवीएस गोल्ड ने आपको क्या बताया कि जब स्टेशंस एक से ज़्यादा हों तो उस सूरत हाल में आप डबल का, एक से ज़्यादा अगर स्टेशन है तो उस सूरत हाल में आप जो है बड़ा आ के लिए
ये देखिए, बड़कों की जो कहानी है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, डबल ए या ए, बड़ी ई डबल ई या आई, डबल बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या यू, तो कब ये जो है सेलेक्ट किया जाता है, डबल वाला सिस्टम कब चलता है और कब सिंगल वाला? तो डबल वाला तभी चलेगा जब किसी भी वर्ड्स की हमें इंग्लिश बनाना है तो उसमें स्टेशन सिर्फ एक है, यानी कि सिलेबल एक है, तो डबल का सिस्टम चलता है। और अगर एक से ज़्यादा स्टेशन है वर्ड्स के अंदर, तो उस दशा में हम डबल को सिंगल में जो है शिफ्ट कर देंगे, यानी कि बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसका एक्सेप्शन यहाँ पर देखिए, का ला दो स्टेशन हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग अगर हम ए लिखें और एल के बाद ए लिखें तो ये काला लिख गया है, लेकिन इससे कोई दूसरा भी वर्ड जो है यहाँ पर सेंस ले लेगा, ये कला भी पढ़ा जा सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है, अगर नियम के अकॉर्डिंग अगर लिखा जा रहा है तो उससे किसी दूसरे वर्ड का भी सेंस जुड़ रहा है। तो अगर सेंस का टकराव अगर आ रहा है, एक शब्द से कोई दूसरा शब्द भी बन रहा है, तो उस सूरत हाल में आपको आप डबल का भी इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि जो है जो जिस वर्ड की आप इंग्लिश बना रहे हैं तो उसका सेंस किसी दूसरे पर ना जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर काला की स्पेलिंग सही है, अगर एग्जैक्टली लिखा जाए तो के डबल ए एल डबल ए। अब ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है, काला की स्पेलिंग ये बिल्कुल सटीक है, लेकिन जो ये शॉर्टकट जो ट्रिक वे से लिखा गया, तो यहाँ अगर इस वे को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इससे दूसरा वर्ड काला बन रहा है। तो इस दशा में आप लोग इसका सिलेक्शन करें, ना कि इसका। उसी तरीके से टी ए एल ए, अब यहाँ पर देखिए कि अगर ऐसे अगर हमने इस्तेमाल कर दिया ओरिजिनल इसका त ल, तो अब दिक्कत ये तला आ जाएगा, तला भी मीनिंग कन्वे कर सकता है, या ओरिजिनली ये तला ही लिखा है। ऑल राइट, तो अगर आपको ताला लेना है, अगर सेंस इसका दूसरा जा रहा है, देखिए फिर टकरा गया दूसरे से तला और ताला, तो उस दशा में आप इसका सिलेक्शन करें, ना कि इसका करें। हाँ, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आपको फुल सेंटेंस अगर लेना है और एक से ज़्यादा शब्द उसमें सेंटेंस के अंदर हैं, तो उस दशा में आप इसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे कमरे का ताला कहाँ है, कमरे का ताला कहाँ है, अगर इसको स्पेल आउट करना है कहाँ है, तो उस दशा में ताला की स्पेलिंग टी ए एल ए अगर स्पेल आउट कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर टी डबल ए एल ए ताला लिखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि कमरे का, तो ये जो कमरा आया है तो ये यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट जो सेंस आ रहा है, तो ये चीज़ बता रहा है कि कमरे से जो अटैच्ड जो चीज़ है या जो उससे जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है, तो वो तला नहीं हो सकती बल्कि ताला ही हो सकती है। ऑल राइट, तो इस सेंस में यहाँ पर काम करेगा, लेकिन अगर सिंगल वर्ड की अगर आप इंग्लिश बना रहे हैं तो उस दशा में आपको ये जो है चॉइस लेना है। तो इस तरह से एबीएस गोल्ड ने आपको संपूर्ण पैक दिया हिंदी शब्दों की स्पेल आउट का। तो उम्मीद करते हैं कि डियर व्यूवर्स और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पार्ट 2 के माध्यम से आप कोई भी समस्या हिंदी की इंग्लिश बनाने में नहीं होगी, और बावजूद इसके अगर कोई समस्या रह रही है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के ऊपर जो है अपनी जो है चिंता या परेशानी को एबीएस गोल्ड से शेयर कीजिए, और एबीएस गोल्ड उसको डायग्नोज करने की पूरी कोशिश करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा गुड बाय टू ऑल।